जैसे राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज आपके इस फॉर्म को एनालाइज करेंगे और आपके वॉइस फॉल के बारे में जानेंगे। आपने डबल सर्विसेज ली है जिसमें आपकी बर्थ डिटेल्स के चार्ट के अनुसार आपके हॉरोस्कोप का भी अध्ययन किया गया है, स्टडी करी गई है। एंड आपके पम्प के जो भी वीडियो दी जा रही है, इसी में दोनों के जो एनालिसिस है वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा जो आपके हॉरोस्कोप की है उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको भेज दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आपकी एज अभी 46 ईयर्स हो रही है, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट पाम है। प्रारब्ध की जो परिस्थितियाँ हैं अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप और पाम, उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे आपके जीवन शक्ति की स्थिति काफ़ी नाजुक है, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि आप जीवन में कभी भी मुखर नहीं रहे हैं। मुखर रहने का क्या मतलब हुआ? जैसे कि मान लो हम कहीं पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमसे कोई गलती ना हुई, सामने वाले से कोई गलती हो गई हो, और कोई वहाँ पे आपके सीनियर आ गए हो और उन्होंने पूछा हो कि किससे ऐसा हुआ हो, तो आपके मुंह से कुछ ना निकलेगा, ठीक है। सामने वाला आप पे आरोप लगा दे कि इन्हीं से शायद गलती से हो गया होगा, तो आप खुद की ईमानदारी भी आप साबित नहीं कर पाओगे, ठीक है, कि आप बेगुनाह हो। तो ऐसी स्थिति है। इसके कारण आपका जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है, आज से नहीं, शुरुआत से। बिकॉज जब आपकी बर्थ चार्ट में देख रहा था, बचपन से लेकर आज तक चीज़ें बहुत ही गजब थी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है। चलिए इन सब बातों को छोड़िए। धन की कैसी है? धन की स्थिति तो मैं क्या बताऊँ, यू नो वेल कि आपके पास जितने पैसे आते हैं उससे ज़्यादा आपके डूबते हैं। क्यों डूबते हैं बता ही दिया मैंने, ठीक है। चलो जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। एज पर हॉरोस्कोप जो आपकी आई है डिटेल्स, आपका आपने जो बोला था कि लास्ट 2 ईयर से आप चूँकि एक निजी फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं और लास्ट 2 ईयर से आपके लिए चीज़ें बिल्कुल नेगेटिव होती चली जा रही है। कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, पैसे बच नहीं रहे हैं और घर परिवार में भी ज़्यादा कुछ बेहतर हो नहीं रहा है, ठीक है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, खासकर आपकी वाइफ के बारे में। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? क्या जॉब कंटिन्यू करना चाहिए, आपको वापस लौट जाना चाहिए और वहाँ जाके कुछ बिजनेस वगैरह के बारे में सोचना चाहिए? तो जब मैं आपकी सॉफ्ट कॉपी उसकी दूंगा तो आपके लिए डिटेल्स में वहाँ पे काफ़ी कुछ आ जाएगी चीज़ें जो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो आज आप सोच रहे हैं लौटने की बात, ये आपको बहुत पहले सोचनी चाहिए थी। बिकॉज लास्ट 2 ईयर से चीज़ें जो गलत हुई हैं वो तो आपके खुद के कारण हुई है, ठीक है। बिकॉज लास्ट 2 ईयर्स में अगर आप देखें तो उससे जस्ट पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, खासकर लैंड में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप आपके लिए सबसे बड़ी गलती आपकी वहीं पर थी। बिकॉज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था आपके लिए किसी भी प्रकार के लैंड में, और वो भी इस प्रकार के इन्वेस्ट करना, ठीक है। वहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल उलट है। तो अगर आपने ऐसा कहीं भी किसी भी प्रकार से बिकॉज किया तो किया ही है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी अनिश्चितता जैसी स्थिति नहीं है। उसके बारे में आप जानकारी दें, ठीक है, और उसके बारे में डिटेल्स साझा करें, खासकर जो वहाँ का नक्शा हो, जो वहाँ की वास्तु वगैरह अगर आपने दिखवाई थी तो बहुत अच्छी, नहीं दिखवाई थी तो इमिडिएटली आपको दिखवानी चाहिए। बिकॉज वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बुरी है। वो जब तक आपके साथ जुड़ी रहेगी तब तक आपके जीवन में मुश्किलें यूं ही आती रहेगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप उस चीज़ को खुद से अलग कर लिया, उससे खुद अलग हो जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में है, आगे और परेशानियों को बढ़ाने वाला है, ठीक है। अब चलो आपके पाम में जो कुछ चीज़ें हैं उनके द्वारा आपको हम चीज़ों को दर्शा देते हैं। गुरु की कैसी स्थिति है? गुरु आपका प्रधान ग्रह है, ठीक है। सौम्यता, विनम्रता, मदद की भावना वगैरह जैसी चीज़ें आप में बचपन से ही है और ये आपका स्वभाव है, ठीक है। एक कहा जाता है कि एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप अगर देखेंगे तो 100 में ना, इंडिया के अंदर में 100 में 99 लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है फेक, और जेनून एक ही लोगों में होती है। तो बस वही है, आप में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चले आओ अगर सैटर्न पे। सैटर्न की क्या स्थिति है? बहुत चुपचाप शांत से बैठे हुए हैं, ना आपके लिए बुरे हैं ना आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। बिकॉज इनकी क्लियर थ्योरी है, आप अच्छा करोगे आपको अच्छा करेंगे, आप बुरा करोगे ये आपको बस उसका फल वैसा ही दे देंगे, ठीक है। लेकिन आप ना कुछ अच्छा कर पाए हैं ना कुछ बुरा कर पाए हैं। बिकॉज जुल्म सहना भी पाप ही है एक तरीके से, ठीक है।
तो चलो अब आते हैं आपके सन पे। सन की क्या पोजीशन है? सन की बहुत अच्छी है, ईमानदारी की तो आपकी मिसालें दी जाती रही होंगी, ठीक है, कसम लोग खा लेते रहे होंगे कि इनकी तो पूछो ही मत। इंजीनियरिंग सेक्टर से हो आप, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप के लिए क्या अच्छा रहेगा, व्हीकल का काम करो, ठीक है, आप मोटर ट्रांसपोर्टिंग का काम आप करें, उसके बिजनेस में आप आए, आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति होगी। बस जो आपने लास्ट 2 ईयर्स बैक आपने जो कुछ लैंड एक्वायर किया है आप उसे हटा देना, ठीक है, बिकॉज जैसे ही मैं आपकी हॉरोस्कोप देख रहा था सीधे एकदम सामने आने लगी कि बंदा उस तरफ जाएगा ही जाएगा और वैसी स्थिति में वैसा होगा, और फाइनली आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं निश्चित है कि कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट वैसा किया है और वो आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी, ठीक है। चलो आपकी मंगल की बात करिए, मंगल की स्थिति यहाँ पे पिछले 2 साल से और भी ज़्यादा बुरी है, ठीक है। विनस बहुत अच्छा, इसलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। बिजनेस बहुत ही अच्छा आपके लिए शुरुआत से ही था, अभी भी है, आप उसमें आगे बढ़े आपको बहुत सफलता मिलेगी, ठीक है, किसी भी बिजनेस में नहीं, बस एकमात्र बताऊंगा और बस वही करना है और वह ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, उसमें आप सीधे चले जाओ, आपको अत्यधिक फायदा होगा और आपके लिए सबसे सुटेबल बिजनेस है, ठीक है। अब आते हैं आपके दाहिने हाथ पे, यहाँ से चीज़ों को देखते हैं, इंडस्ट्रीज का असर आपके हाथों पे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ भी गुरु की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, मुंह चुराए बैठे हैं आप। शनि यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें आपके लिए पैदा कर रहा है, ठीक है, किस प्रकार की मुश्किलें? मानसिक अशांति जो कि निश्चित तौर पे जब आप ऐसी मुसीबत में तो आपके साथ होगी ही, और ये स्पष्ट रूप से उसे दर्शा भी रहे हैं, आर्थिक स्थिति को भी ये दर्शा रहे हैं जो कि आपके लिए मुश्किल परिस्थितियों में है, ठीक है। सन की बात करेंगे तो ये आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है काफ़ी अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों पर, कि आप एक तरीके से जैसे मान लो कि एक छोटा सा शरीर के किसी अंग में कोई घाव हो जाए, ठीक है, वो घाव बढ़ते बढ़ते कैंसर हो जाए और इवन कि कुछ ऐसा मर्ज हो जाए जो कि क्योर ना किया जा सके, ठीक है, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे पूरे बॉडी को खराब कर देती है, ठीक है। उसी टाइप से दुनिया में जितने लोग हैं ना, आप देखोगे कि किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है, ठीक है, किसी के पास पैसों की कमी है, किसी के साथ नहीं हो रही, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आप जाओगे ना उसके अंदर तो पता चलेगा कि बस एक ही जगह से ना कुछ लूज है, उसे जैसे ही आप टाइट करोगे ना सारी चीज़ें अपने आप लाइन पे आ जाती है, ठीक है। मैं पर डे मिनिमम 3 एनालिसिस करता हूँ और मैक्सिमम भी 3 ही करता हूँ, इसमें हमेशा आज तक मैंने कभी नहीं देखा किसी में कि डबल होल हो या डबल कुछ मुश्किलें हो, सबकी ना जड़ एक ही होती है, ठीक है, उसकी शाखाएं जब बढ़ने लगती है ना तो फिर शुरुआत में वो अकेली रहेगी, फिर उसके कारण दूसरी प्रॉब्लम आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी, जैसे एक पेड़ होता है, ठीक है, उसकी बहुत सारी शाखाएं टहनियाँ होती है, वैसे ही प्रॉब्लम सबकी, तो सीधे जड़ पे चोट करो और उसे खत्म कर दो, ठीक है, सहन टहनियाँ अपने आप सूख जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, ठीक है। तो बस आपके लिए जो घाव है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जब तक आपके साथ जुड़ी रहेगी, इवन कि आपको बहुत ज़्यादा मोह भी होगा उससे, लेकिन वो जब तक आपके साथ जुड़ी रहेगी आपकी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, क्लियर है, ठीक है, उसे आप दूर कर लो, सन भी ठीक हो जाएंगे, सैटर्न भी ठीक हो जाएंगे। मरकरी बुद्धि और विवेक में तालमेल का सर्वथा अभाव स्पष्ट तौर पे बयां कर रहे हैं, ठीक है। हृदय रेखा की स्थिति कैसी है? बहुत अच्छी है, अच्छी ही रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी यहाँ पे आपके लिए नहीं आ रही है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति क्या है? बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हालत में है, ठीक है। और एक और काम आप करना है, ठीक है, अपनी राज की बात है ना, हर एक दूसरे से बताए फिरते हो, उससे बचो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिन्हें हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, कहीं भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आपके लिए ये भी एक दोष है, आप जितना ज़्यादा अपनी कुछ उपलब्धियों का बखान करोगे आप उतनी ज़्यादा मुश्किलों में आओगे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें ऐसे दोष होते हैं, ठीक है, आप उनमें से एक हैं, आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, ठीक है, इसलिए हमेशा रोनी सूरत बना के रहे, क्या हुआ भाई, अरे क्या कहते हो,
सारी दुनिया की तकलीफ तो मुझे ही, क्या होगा, अरे पूछो मत, रोते रहो, ठीक, मतलब सच में मत रो, लेकिन स्माइल थोड़ा कम करो, ठीक है, तो अच्छा है, अच्छी क्रॉस है, किसी काम की नहीं है। जीवन रेखा यहाँ पे आपके लिए अच्छी है, बहुत सारे कुछ मेरे दूसरे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, उनके लिए बता दूँ, बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं चैनल पे जो कि मेरी जीवन रेखा से संबंधित एक आध वीडियो है उसे देख कर, और हालांकि उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी स्पष्ट लिखा है कि क्या क्या है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आँख होते हुए भी, दिमाग होते हुए भी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। चलो उनके लिए फिर से एक बार बता दूँ कि ऐसी जब भी रेखा हो ना, तो इसका ये मतलब समझना कि आपकी लाइफ छोटी है, ठीक है, चार पॉइंट हैं जहां से ये चीजें डिसाइड होती हैं, यहां पे इतनी भी ना हो ना फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं, तो सब सुना करें फिर कमेंट किया करें या व्हाट्सएप पे अवतार लिया करें, ठीक है, और प्लीज साथ ही कुछ और चीजें इसमें ऐड कर दूं एनालिसिस को 10 सेकंड ब्रेक देके, कि प्लीज आप लोग जो भी हैं जो रीडिंग देखते हैं, फॉर्म देखते हैं, ठीक है, तो इसके साथ ही आप लोग मेरी भी देख लो, मेरी देख सकते हो क्या, मेरी तो बहुत ही अद्भुत हाथ है, जो भी देखता है चौंक जाता है, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है, और ऐसा बोल के और सीधा पाम की पिक्चर आप व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, तो ऐसे लोग जिनका ब्लॉक हो चुका है वो समझ रहे होंगे कि मैं ऐसे लोगों को सीधा ब्लॉक करता हूँ, ठीक है, तो कृपया जब भी आए ना तो टर्म कंडीशन पूछ लें, प्रोसीजर पूछ लें, सबसे पहला वाक्य आपका होना चाहिए आपकी प्रोसीजर क्या है, ठीक है, बिकॉज ये फ्री सर्विस नहीं है, तो ये आप पूछ लें, पसंद आए तो आए, ना आए तो बस जैसे हैं वैसे ही, आप एनालिसिस देखें ना देखें डोंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है, तो आप तभी आए, सीधा अगर आप भेजते हो फोटो पिक्चर वगैरह कुछ भी तो हमेशा के लिए मुझे ब्लॉक कर देना पड़ता है आपको, आपको अच्छा नहीं लगता होगा लेकिन मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, तो कृपया इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ चलो अब फिर से इनकी शुरू करते हैं और बात करेंगे मंगल की, यहाँ पे कैसी है, एक बात बताऊं, अभी आपके कुछ अपने हैं, जैसे कि आप जाएंगे नगर तो आपको वहाँ पे कुछ नई चीज़ें प्राप्त होंगी, ठीक है, कुछ ऐसा अनुभव होगा जो कि आपने आज तक नहीं किया था, जैसे कि कुछ अपने रंग बदलते दिखेंगे आपको, और वो भी छोटा मोटा नहीं, काफ़ी हद तक दिखेंगे, जिसमें कि काफ़ी कुछ आपके नुकसान की स्थितियाँ भी बन रही होंगी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, प्लीज आप वैसे उग्र तो होंगे भी नहीं लेकिन उग्र होना भी मत, ठीक है, नहीं तो आपका नुकसान होगा वहाँ पे, अभी जो चीज़ें हो रही होंगी उन्हें उसी प्रकार से आप देख के चुपचाप जो अभी प्रेजेंट आपका है उसे पहले आप सुधारने की कोशिश करो, ठीक है, तत्पश्चात उन वो चीज़ें अपने आप सही होती चली जाएंगी, ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना मत। दूसरी एक बात करूँगा और वो बात है आपके जीवन रेखा पे यहाँ पे मंगल के द्वारा पोषित एक विशेष प्रकार के चतुर्भुज स्थिति की, ये आपके लिए क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर रेखा है जो कि आपके इस मंगल और जीवन रेखा के मध्य के क्षेत्र में पनप उठी है, और इसका फल आपके जीवन में आपको चौमुखी विकास के रूप में मिलेगा जब आप उस बिजनेस की तरफ जाएंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो आपके लिए उसी प्रकार से उस समय कार्य करेगी। इसके अलावा लास्ट में कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बताना आवश्यक है, ठीक है, और वह एक भाग्य रेखा की स्थिति, अब तक का समय तो आपने गुजार लिया, ऑलमोस्ट आगे का जो समय है ये रेखा अब आपके लिए सक्रिय होंगी और आपके जीवन के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी, ठीक है, मत्स्य रेखा बनते बनते रह गई, चलो अच्छी है, उससे कोई इशू नहीं है क्योंकि अब उसे भी उसका समय पूर्ण ही था, मोक्ष की प्राप्ति जीवन में होगी ही होगी, थोड़ा धर्म कर्म की तरफ आप बढ़ें, ठीक है, अपना हाथ बढ़ाएं, आपको वहां से फायदा होगा। कंस्ट्रक्शन आइटम, ठीक है, कंस्ट्रक्शन आइटम ये आपके लिए लकी है, ठीक है, और उसको मैं देख रहा था वहां पे बार बार ये चीजें आ रही थी कि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप अगर चाहें तो
सेकंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग बनाना एट्सेट्रा, जो भी इससे संबंधित चीज़ें हैं वो भी आपके लिए अच्छी है। लेकिन फिलहाल ट्रांसपोर्ट आँख मूंद के सीधा, ठीक है। जो भी पूरी डिटेल्स है सॉफ्ट कॉपी थ्रू मेल आपके पास पहुंच जाएगी। चूंकि आपको वीडियो की बहुत लालसा थी कि वीडियो भी मुझे देखना है, इसलिए मैंने ये बना दी। चलो देख लो आप, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।